गुड इवनिंग, नमस्ते। पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परिवर्तन द स्कूल पे। सारे बच्चे असेंबली में, और चूंकि अभी असेंबली का टाइम है नहीं, लेकिन फिर भी सभी बच्चे को मैंने छत पर लाया है। और जैसे आप सभी जानते हैं कि आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त, भारत का स्वतंत्रता दिवस। और स्वतंत्रता दिवस होने के नाते आप देख सकते हैं कि ऊपर में सफाई भी किया गया है, साथ में पाइप भी निकाला गया है झंडा फहराने के लिए। तो कल हम लोग झंडा भी फहराएंगे, जलेबी भी बांटेंगे, हम भी खाएंगे, हमारे बच्चे भी खाएंगे। लेकिन उससे पहले, चूँकि इन बच्चों को कल के लिए कुछ तैयारियां करवाई गई है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ इन बच्चों का एक बार प्रैक्टिस भी हो जाए, और साथ में आप सभी भी देख लें कि इन लोगों को क्या तैयारी करवाया गया है। क्या तैयारी का मतलब आप सभी देख सकते हैं तुरंत इसके बाद। पहले मैं चाहता हूँ सभी बच्चों को आप लोग देख लें, अपने बच्चों से रूबरू हो जाएँ, और उसके बाद मैं इन बच्चों को जो तैयारी करवाया गया है, कैसे इन लोग को स्कॉट करना है, कैसे इन लोग को झंडे को सलामी देना है, स्टैंडर्टीज अटेंशन, इसके अलावा म्यूजिक टीचर के द्वारा इन लोग को विशेष रूप से जो है नेशनल एंथम भी करवाया गया है, साथ में कल कुछ बच्चों का स्पीच में भी पार्टिसिपेशन है, इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय गीत में भी लड़कियाँ ली है हिस्सा, और सब लोग कुछ मिलाकर कल का भी वीडियो कल खास होने वाला है, तो कल का वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहता हूँ कि आपके बच्चों से रूबरू करवा दूँ, चूँकि बहुत दिन हो चुका था, और ऐसे में इन बच्चों का भी जो है आप लोग देख लीजिए। इन बच्चों को आपके बच्चे आपको दिखाई दे ही दे चुके होंगे। हमें चाहता हूँ इन बच्चों को, चूँकि इन बच्चे अभी जो इन लोग का जो अभी स्थिति है, ये स्टैंडर्टीज का यानी विश्राम का मुद्रा है, तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए। जो सवेरे में करवाया गया था असेंबली टाइम में, स्कूल का असेंबली टाइम में हुआ था ना? Yes, sir. और स्कूल के असेंबली टाइम में जो हुआ था प्रैक्टिस, ये हुआ था क्लास टू से ऊपर वाले बच्चों, यानी क्लास टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वाले बच्चों का नहीं। Yes, हम चाहेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि हमारे छोटे बच्चों से मिस्टेक हो जाए तो इसको माफ कर दीजिएगा, क्योंकि इन बच्चों को ना तो प्रैक्टिस करवाया गया है और ना तो इन लोग का उतना सेंस डेवलप हो पाया कि इन बच्चे उस सभी बातों को पकड़ पाए। जब ये भी बड़े हो जाएंगे इनको भी समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अटेंशन से, और इसके अलावा स्कॉट वगैरह सब कुछ करेंगे। तो अभी आप लोग अटेंड में है यानी विश्राम की मुद्रा में है, तो आप लोग पहले अटेंशन, गुड, स्टैंडर्टीज, गुड, अटेंशन, बहुत बढ़िया। एक बार हम चाहेंगे आप लोग स्कॉट दे दें, तो हम स्टार्ट करेंगे तभी करना है। 1 2 3 स्टार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस, वेरी नाइस। यदि आप चाहें तो इन बच्चों के लिए कमेंट कर सकते हैं अच्छा का, क्योंकि इन बच्चों ने काफ़ी कम समय में इतना अच्छा पकड़ लिया है। एक बार हम फिर से चाहेंगे स्कॉट, 1 2 3 स्टार्ट। वाह वाह, सुपर। चलिए, आप लोग अटेंशन में ही हैं तो आप लोग एक बार झंडे को सलामी दो, झंडे को सलामी कुछ इस प्रकार से तीन उंगलियां से दी जाती है। हालांकि ज़्यादा जगहों पे अब लोग पाँच भी उंगली से देते हैं, लेकिन जनरली जो देखा जाए तो तीन उंगली से ही दिया जाता है, और अपना फेस जो है पूरे झंडे के ऊपर दिया जाता है। चलिए, अपना हैंड नीचे डाउन करेंगे। डाउन करने का भी तरीका कुछ अलग, क्योंकि उसको घुमाकर वापस लाना है। इसके अलावा फिर से स्टैंडर्टीज, गुड। स्टैंडर्टीज में बच्चों को बताया गया है कि बायां पैर अपना 90 डिग्री पर से घुमाना है, और उसको हैंड को पीछे ले जाना है, और पीछे दोनों हैंड को बंद करके रखना है, और अटेंशन में दोनों हैंड को आगे लाना है, और आगे लाने के बाद मुट्ठी बंद कर नीचे रखना है। इन बच्चों को सिखाया गया, प्रैक्टिस करवाया गया है, और अभी मुझे लगा कि लास्ट बार एक बार प्रैक्टिस कर लें। यहाँ साफ सफाई भी कर लिया गया इन बच्चों के द्वारा, हमारे वीर बहादुरों के द्वारा, और साफ सफाई के बाद कल हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा 15 अगस्त के ऊपर, झंडा तोलन के ऊपर, और झंडा फहराएंगे। बस बसरते भगवान से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारी बातों को सुन लें, हमारी इन बच्चों की बातों को सुन लें, क्योंकि आज मॉर्निंग टाइम में बारिश हुई थी, तो कल का मौसम मिजाज कैसा रहने वाला ये कल ही हम लोग अपडेट देख पाएंगे। बाकी यदि मौसम अच्छा रहा तो इन बच्चों के लिए कल बहुत खुशी खुशी की बात, और यदि मौसम
यदि गलत हो गया, यदि किसी तरह से मौसम बिगड़ गया तो फिर इन बच्चों को नीचे ही रखा जाएगा और हम लोग ऊपर में झंडा फहराएंगे, जैसा एक बार 2022 में हुआ था। चलिए उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा और 15 अगस्त का वीडियो ज़रूर से देखिएगा। और इन बच्चों का जो प्रैक्टिस था वो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इन बच्चों के लिए। और भी जो कुछ कमेंट करना है हमें कमेंट करिए कि और किस प्रकार का वीडियो चाहिए आपको, लेकिन कल का वीडियो भी मिस नहीं करना है, कल का भी वीडियो ज़रूर से देखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इन बच्चों को सवेरे उठाना है और ट्रेनिंग अभी देना है कि कैसे कैसे कल क्या काम करना है ताकि काम आसानी पूर्वक समय पर ख़त्म हो जाए। तो हम चलते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इन बच्चों को और आगे का ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे कैसे कल किन बातों को मद्देनजर रखते हुए अपने काम को पूरा समाप्त करना है समय रहते हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।